में आपको मैंने बताया था जी हमारे कॉलेज का ट्रिप जा रहे हैं, इजाजत तो मिल चुकी है आपको मेरे फेस से, तो पता चल ही चुका होगा। पहले तो बाल कटाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। बर्फबारी ये चेक करें, बर्फबारी देखिए, मतलब कैसे मजे की थी, चेक करें यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय हाय हाय, अल्लाह भी निकलो कॉलेज में ही, आप चेक कर लीजिए भी मैं साथ में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत आपकी सेट हो। एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें आपको मैंने बताया था जी हमारे कॉलेज का ट्रिप जा रहे हैं सवात मरी कश्मीर या एबटाबाद। उस व्लॉग पे आपने बड़ी सपोर्ट अच्छी दी है यार, उसमें मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे उस वक्त तो घर से इजाजत भी नहीं मिली हुई थी। तो सब एक व्लॉग में वेलकम हो गए, तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो सीन जो आज का, इजाजत तो मिल चुकी है आपको मेरे फेस से, तो पता चल ही चुका होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज तैयारी करनी है, थंबनेल भी आपने चेक किया होगा यार, भाई तैयारी शैरी जारी अब, क्योंकि ना बैग मिल रहा है ना कोई खाने वाली चीजें भी नहीं मिल रही, पैसे तो है ही नहीं ना बिल्कुल, क्योंकि सारे उधर ही दे दिए अमाउंट में, जेबें बिल्कुल खाली हुई पड़ी हैं। तो अभी चलते हैं सब घर वालों के पास, मांगने शांगने चलते हैं, कहीं से हमें पैसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह तैयारी भी कर लेंगे। ठीक, क्या सोच है रे तेरी। तो अभी चलते हैं, पहले तो बाल कटाते हैं, चेक कर लें, बिल्कुल गंदे बाल हुए पड़े हैं, मुजराल की तरह हुए हैं। तो चले हैं बस, कटाते हैं बाल और इंशाल्लाह अच्छे बच्चे बनते हैं यार, क्योंकि आगे देर हो चुकी है, क्योंकि हमने तकरीबन निकलना है रात को। तो जल्दी से चलते हैं, तैयारी शेयर करते हैं, बाल शेयर कटाते हैं और फिर आपको सीन चेक कराते हैं। ठीक है जी, हम लोग जा रहे हैं बाल शेयर कटाने, बिल्कुल काम खराब हुआ है क्योंकि बारिश तकरीबन शुरू हो चुकी है। मौसम आप चेक करें यार, कितना लेवल का बना हुआ है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आ रहा है जी। ये वाला मौसम मरी में बना हुआ, क्या मज़ा आएगा यार। ठीक है जी, अभी चलते हैं बाल शेयर कटाते हैं, फिर खाने वाली चीज़ें लेते हैं, मलिक साहब को भी ले देंगे जी कुछ चीज़ खाने के लिए, क्यों जी बाल कट गए। अब दूसरा काम हमारा पावर बैंक है, अब कोई खाने पीने वाले ले जाएंगे और मलिक साहब को शाम को ही खिलाएंगे, अभी घर जा रहे हैं। ठीक है, चेक करें जी, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस रही है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मौल आप चेक कर लें, काफ़ी खूबसूरत बारिश हो रही है, आए हाय 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 हाय, क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो। चेक करें जी, ये वाला मौसम उधर भी हो तो क्या चस आ जाए यार, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, क्या बात, अल्लाह ताला की रहमत, उधर तो बर्फबारी होगी, बारिश भी होगी, मज़ा आएगा काफ़ी इंशाल्लाह। चेक करें जी, बर्फबारी हुई है जी 64 दिन शाम में, क्या बात है जी, क्या बात है, बर्फबारी ये चेक करें। A few moments later. Finally guys, बारिश तो थम चुकी है, अभी काफ़ी बर्फबारी हुई है, आपने चेक की होगी, काफ़ी मज़े का नज़ारा बना हुआ था माशाल्लाह से, अल्लाह की रहमत बरसी है, बड़ा मज़ा आया है। अभी बस असर की अजानें हो रही हैं, चलते हैं कुछ चीज़ चीज़ पर पकड़ते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं। चेक करें, बड़ी बर्फबारी हुई है जी और बारिश भी काफ़ी हुई है, अभी चलते हैं बेकरी पे, खाने वाली चीज़ें पकड़ते हैं अपनी जो कल लेके जानी है, पावर बैंक भी हुआ है निज़ाम, बैग अब बस लेना है किसी से पकड़ना है, बैग एक बहुत बड़ा लेके जाना है ताकि वहाँ से ज़्यादा सी बर्फ भर के लाए ना दर्जो वालों के लिए। ठीक है, One eternity later. करें जी, नमाज वमाज तो पढ़ लिया है, चीज़ भी ले लिया है, आप चेक कर लें यार, फुल बंडल भरा हुआ है, मलिक साहब को धरती मिल चुकी है, नाया है ये भी, नाया और मैं भी नाया हूँ इस ठंड में यार। देखो बर्फबारी भी आपको चेक कराई, कितने मज़े की है बर्फबारी, देखिए मलिक जी कैसी मज़े की थी। बाकी आप सीन चेक कर ले यार, चौक में बैठे हुए अभी, नमाज वमाज पढ़ी है, बाकी इंशाल्लाह जो तैयारी शैयारी करनी है ना वो घर में इंशाल्लाह आपको चेक कराता हूँ। ठीक है जी, हर चीज़ जी जी दिखाएं, क्या चीज़ आप दिखाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे, हाँ जी क्या बात है, ये पोस्टर चेक करें यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, नून लीग वाले आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। ठीक है जी, ये आप पोस्टर इंशाल्लाह हम बनवाएंगे, पैन प्लेट से चौक में लगाएंगे। ठीक है जी, A few moments later. Guys, we are back to home. तो finally आपको मैं बताऊँ तो सारी तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल है, अभी माशाल्लाह आपको मैं बताऊँ तो बैग भी तकरीबन तैयार है, ये है बैग, क्योंकि इसमें तो तकरीबन 10 किलो बर्फ आ ही जाएगी, क्या कहते हैं। ये एक बैग है, उसके साथ चादर लेके जाएंगे, साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ पावर बैंक, पावर बैंक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको साथ लेके जाना है, लीड लेके जाएंगे साथ, मोबाइल की ये सॉक्स हैं और टोपी जैकेट और बाकी ये चीज़ आप चेक कर लें यार, हाय हाय हाय, अल्लाह भी निकलो यार, क्या कसम से, ओए होए 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 होए,
क्या बात है जी, ये चीज़ें हमने लेके जानी है जी। और अब बस हमारा एक काम रह गया है, अब बस हमारा एक काम है भाई, इन्हें हमने बैग में एडजस्ट करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। बाकी आप चेक कर लें, तकरीबन इस तरह करते हैं गाइस के पहले तो इनको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक, थोड़ी देर क्या, बिल्कुल मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, थोड़ी देर बाद मैंने निकल जाना है क्योंकि बस थोड़ा सा टाइम रह गया। बैग में एडजस्ट करते हैं, खोलते हैं और इसमें हर चीज़ डालते हैं। बाकी और कोई चीज़ मुझे ज़रूरत तो नहीं है, जैकेट होगी, सॉक्स होगी, टोपी होगी, चीज़ भी होगी, पावर बैंक सबसे ज़रूरी चीज़ लेके जाना है साथ। और बैग, इस बैग में तकरीबन आ तो जाएगा यार, जैसे मुझे लग रहा है, तो देखते हैं आता है तो इंशाल्लाह। जल्दी से पैकिंग करते हैं और फिर खाना खाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर हमारे निकलने का टाइम हो जाएगा, ठीक है जी। अली गाइस, जैकेट तो हमने डाल के जानी है और ये भी हम डाल के ही जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं ना जाना। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखें, बाकी पैकिंग शैकिंग तो हमने कर ली, बाकी हर चीज़ें हमने बीच में रख ली हैं, ठीक है। ये आप चेक कर लें, कितना बैग हमारा बने, माशाल्लाह, ठीक। फाइनली गाइस, अभी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद तो हमने चला जाना है खाना पीना और सो के फिर हम चले जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। मरी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है इस टाइम, माहौल आप चेक करें मरी का। ये आपने चेक किया है मॉल, माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा है यार, क्या मैं आपको बताऊं। बर्फ शर्फ देखेंगे, आपको भी चेक कराएंगे। देखिए, आपके लिए मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी यार, भैया मेरे 500 सब्सक्राइबर करा दो, लेकिन आपने यार देखो प्यार इतना नहीं कर रहे यार, ऐसे ना करो। देखो मैंने इतनी मुश्किल से घर वालों से इजाज़त लिया, आपको मैं बताऊँ तो आप खुद हैरान रह जाए। आप कहते हो भैया बस ये यार जान के नाटक करता है, खुदा की कसम मैंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली है घर से। और उसके बाद आपको मैं एक और ज़रूरी चीज़ दिखाता हूँ, सब्र एक मिनट, एक मिनट। तो एक ज़रूरी चीज़ आपको मैंने जो दिखानी थी, इजाज़त नामा है जी, ये जो टूर का पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, नीचे फादर की आईडी कार्ड की कॉपी भी, वो भी अटैच करनी है। और बाकी ये जो नया काम है भाई, जिन्होंने दाखिले लेने हैं ना पंजाब कॉलेज में, ये आप चेक कर लीजिए, भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा। जिन्होंने दाखिले लेने हैं 10वीं के बाद, ये भी यार आप लोग इधर आए पंजाब कॉलेज में, काफ़ी मज़ा आएगा। कॉलेज ट्रांसपोर्ट फ्री होगी आपके लिए, बहुत आरामदेह और पुरसकून माहौल बनाएंगे। टेस्ट देना है क्योंकि इस टेस्ट के लिए आप आएँ, बाकी आप दाखिला लें ना लें, टेस्ट के लिए ज़रूर आए क्योंकि बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ये कॉलेज वाले, पंजाब कॉलेज ऑफ डेटकोट। काफ़ी मज़ा आएगा आपको ये टेस्ट दे के, और इस पर स्कॉलरशिप भी होगी, ये आपको मैं ज़रूर बताऊँ, स्कॉलरशिप भी होगी। क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है चलें। बाकी आपको ये चेक तो कर लिया ना आपने, आपने आना है तो आए, नहीं तो फिर आप मैं जरूरी तना ना लैके बन सकता सो इजाजतनामा हो गया, बाकी ये चीज़ें आप चेक कर लें। तो यहीं पर आज का व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि बस थोड़ी देर के बाद तो हमारी फ्लाइट है ना, तो चलते हैं बस। तो आपने यार देखो, अब आपके लिए मैं जा रहा हूँ मरी, आपने लाजमी 500 सब्सक्राइबर कराने हैं वहाँ पे, ठीक है, इतना प्यार कर रहे हो यार, थोड़ा सा और, ठीक है। तो मेरा काम बनेगा इंशाल्लाह, 500 सब्सक्राइबर सिर्फ आपके लिए मैं उधर जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से इजाज़त ली है। तो अगले व्लॉग का करना है आपने बेताबी से इंतज़ार, अब भी मुझे दे इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दे, तो ओके, अल्लाह हाफिज़।